मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आज अयोध्या दौऱ्यावर आहे. उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस देखील त्यांच्यासोबत अयोध्या दौऱ्यावर आलेले आहे. आज 12 वाजता अयोध्यातील रामलल्लाचं दर्शन घेऊन ते अयोध्या दौऱ्याला सुरुवात करणार आहे. शिवसेनेचे त्यावेळीचे जी बाबरी मस्जिद ज्यावेळेस ओळखल्या जात होती त्यानंतर ती तोडण्यात आली, त्यातले प्रमुख आरोपी आणि जे प्रमुख शिवसैनिक ती मस्जिद तोडण्यासाठी जे सक्रिय होते त्यातीलच आज एक जे प्रमुख शिवसैनिक आहे ते आपल्यासोबत आहे, संतोष दुबे. तेच संतोष दुबे आहे ज्यांनी त्यावेळी हे सर्व घटनाक्रम पाळला होता आणि त्यानंतर त्यांना ते मोठ्या प्रमाणात जखमी जरी झाले होते आणि कितीतरी दिवस ते कोमात होते, आज ते आपल्यासोबत आहे. आणि विशेष म्हणजे ते उद्धव ठाकरे यांना सोडून एकनाथ शिंदे यांच्यासोबत शिवसेनेमध्ये आलेले आहे. सर, किस प्रकार से देखते हो आप आज मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आए हैं, किस प्रकार से कार्यक्रम रहेगा, आपकी आपकी मनोकामना क्या है? देखिए, एकनाथ शिंदे साहब हिंदुत्व के योद्धा हैं, पूर्व काल से ही हम तो बहुत दिनों से जान रहे हैं, 35 वर्षों से जुड़े हैं. तो शिंदे साहब का कोई जवाब नहीं है, वो कार्यकर्ताओं के बीच से निकल करके आते हैं और देश की जो हिंदुत्व की विचारधारा है उसमें एक नई ऊर्जा का संचार करते हैं. और उनके कैबिनेट में वो लोग हैं, आदरणीय गुलाब चंद दुबे जैसे लोग, जिनके जो ऊर्जा से ओतप्रोत भरे पड़े हैं. तो हम लोगों को वो 6 दिसंबर 92 वो ढांचा ढाने वाला दिन गौरव का प्रतीक लगता है, जब हमारे बीच में हमारा मुख्यमंत्री होता है जो कहता है हम गर्व से कहो हम हिंदू हैं, हाँ हमने गिराया, हम उन बाला साहब के सैनिक हैं जिन्होंने कहा कि यदि शिव सैनिकों ने बाबरी मस्जिद गिराई है तो हमें उन पर गर्व है. तो हम लोगों ने तो ऐसे वीर पुरुष का साथ संग उनका संरक्षण देखा पाया, तो गर्व का विषय. और आज जब शिंदे साहब आ रहे हैं तो आनंद से हृदय भरा पड़ा है कि कम से कम हमारे मुख्यमंत्री रामलला के दर पर जाकर के प्रणाम करेंगे और अपने होने का एहसास कराएंगे कि आपकी वजह से जो मुझे मिला है हम उसकी कृतज्ञता ज्ञापित करने आपको आए हैं. तो इसलिए शिंदे साहब का स्वागत है, पूरा महाराष्ट्र आ रहा है, यूपी के लोग भी उनका स्वागत कर रहे हैं. हम अयोध्यावासी, हम तो शिवसेना की ओर से ही बाबरी विध्वंस के मुख्य आरोपी रहे हैं. अदालत में सारे अभियुक्तों ने कह दिया हम तो कांग्रेस ने फंसा दिया, पर मैंने नहीं कहा. मैंने कहा कि मैं बाला साहब का सैनिक हूँ, मैंने ढांचे को ढाया है, मुझे इस पर गर्व है. अगर फांसी होती है, मृत्यु दंड मिलता है तो स्वीकार करते हैं. और आज वो अक्स, वो छाया शिवसेना में एकनाथ शिंदे साहब में दिखती जो बाला साहब में थी. वो उन्होंने समझौतावादी दृष्टिकोण नहीं अपनाया, इसलिए इनके आने पर हमें गर्व की और आनंद की अनुभूति हो रही है. और उनके साथ ऐसे लोग हैं, ऐसे महापुरुष हैं जो 6 दिसंबर 92 की घटना में भी शामिल थे. ये बात अलग है, हम लोग मुल्जिम बने, हम घायल हुए, हमने गोलियां खाई, हम जेल गए, ये बच गए, पर इन लोगों का सबका योगदान रहा. तो आज जो हम लोगों के लिए गर्वानुभूति का विषय है कि रामलला के काम आने वाले लोग फिर से अयोध्या आ रहे हैं, तो एक आशा जगती है कि वो नारे सार्थक होने वाले होते हैं, 3 नहीं अब 30 हजार. हम कहते हैं कि ये अयोध्या की झांकी पूर्ण हो गई, अब काशी मथुरा बाकी है. तो हम तो माननीय शिंदे साहब से भी निवेदन करेंगे कि वो दिन आ गया है और सारा काम शिवसैनिक ही करते आए हैं और करते रहेंगे. तो इसलिए आने पर हम लोग निवेदन भी करेंगे कि दो काम बाकी है, उसे पूर्ण करना आपका दायित्व है. बाला साहब के सामने में राम जन्मभूमि मुक्त हुई, आपके सामने काशी और मथुरा मुक्त हो, ये हम अपेक्षा करेंगे उनसे. आपने कहा कि एक बाला साहेब ठाकरे की जो छवि है वो एकनाथ शिंदे में दिखाई देती है जी. आप इतने साल उद्धव ठाकरे साहब के साथ में भी काम कर चुके हैं, तो उनमें और इनमें क्या, बाला साहेब में जो अंतर है और इनमें क्या अंतर है कि आपको इनका नेतृत्व उद्धव ठाकरे का अयोध्या वासियों को पसंद नहीं आया? देखिए, ढुलमुल नीति थी. आप कांग्रेस के लिए सत्ता में चले गए, आप एनसीपी के साथ चले गए, आपने समाजवादियों से जिन्होंने हम पर गोलियां ठोकी थी, जिस मुलायम सरकार की गोलियां लगी थी उनके बेटे अखिलेश से भी आपने समर्थन ले लिया, लेकिन शिंदे साहब ने उस असत्यता को स्वीकार नहीं किया और अंततः हिंदुत्व का वो लावा फूटा, वो बगावत हुई और इन्होंने ये भगवा झंडा छोड़ा नहीं, वस्त्र बदला नहीं, विचार बदले नहीं. लेकिन वहां तो लोगों ने ये किया ना, वस्त्र बदले, विचार बदला, चंदन हटा, वहां झुके जहां बाला साहब ने कहा था हम चिमटे से छूना पसंद नहीं करेंगे, अगर कांग्रेस के साथ सरकार बनानी हो तो हम विरोध में बैठेंगे, आप वहीं चले गए. आपने जो बाला साहब कहते थे हम ईसाइयों और कसाईयों के साथ नहीं खड़े होंगे, उन्हीं ईसाइयों के साथ आप खड़े हो गए. लेकिन शिंदे साहब ने ऐसा नहीं किया,
वो हिंदुत्व के सजग प्रहरी हैं और आज भी ये दिखाई दे रहा है कि उन्होंने जो कहा वो कर रहे हैं, वो हिंदुत्व के साथ हैं और रामलला के दर्शन करने के लिए आ रहे हैं। इतने दिनों मुख्यमंत्री थे उद्धव जी, हमारी कोई शिकायत नहीं है, पर वो मुख्यमंत्री रहते हुए उनको रामलला के दर्शन करने चाहिए थे, नहीं याद नहीं है रामलला? आप जब उस कुर्सी के बाहर हुए तब आपको एहसास हुआ ना, हिंदुत्व बड़ा मुद्दा है, भारत हिंदू राष्ट्र है, अघोषित हिंदू राष्ट्र है, कहने की बात नहीं है। और सिंधे साहब जैसे लोग, योगी आदित्यनाथ जैसे लोग इस सिद्धांत की कड़ी हैं, जो इसको मजबूत किए हैं। आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में देश में जो कुछ हो रहा है वो आंखों के सामने हो रहा है, मंदिर बन रहा है। 500 वर्ष हमारे पूर्वज कितने चले गए, 10 लाख हिंदुओं ने बलिदान दिया, हम लोग जीवित हैं तो भगवान की कृपा है, 4 गोलियां खाने के बाद भी जीवित हैं तो प्रभु की कृपा है। लेकिन हमको इतना ही प्रसन्नता का विषय है कि हमारा नेतृत्व वो राम जन्मभूमि पर आएगा दर्शन करने के लिए और रामलला के सामने साष्टांग करेगा, तो हमारी छाती चौड़ी हो जाएगी, हमें लगेगा कि हमने जो काम किए वो सही था। आज मुख्यमंत्री यहाँ पर है तो अयोध्या में इस प्रकार से जो शिवसैनिक है वो भी प्रवेश करने की शक्यता है, क्योंकि जिस प्रकार से उद्धव ठाकरे सेना का भी यहाँ पे कुछ लोग नेतृत्व तो कर रहे हैं, तो आपको क्या लगता है कि आज शिवसैनिकों में कुछ प्रवेश होने वाला है? अब वो परिस्थितियाँ अलग बनेंगी, वो तो मंच की परिस्थितियाँ होंगी, वो कोई साथ आना चाहे तो स्वागत है, जो भी आएगा, कोई भेद थोड़ी है, भेद सिर्फ विचारों का हो गया कि आपने हिंदुत्व के मुद्दे पर छोड़ दिया। पालघर की घटना हुई, आप कौन थे? नाराजगी हिंदुओं में है कि पालघर में 4 साधुओं को पीट पीट कर विधर्मियों ने मार डाला, आप मुख्यमंत्री थे, आपको कार्यवाही करनी चाहिए थी, आज कोई मार दे, आज भी महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री है और एक नाथ शिंदे साहब है, आज कोई मार दे, एक हिंदू को एक डंडा मार दे, आप क्यों नहीं हिम्मत को जुटाता? और पीट पीट कर 2.5 साल पहले हिंदुओं को मार डाला गया था और वहां के मुख्यमंत्री जी मौन बैठे थे, ये पीड़ा है, दर्द है। हम अपनी सरकार में अगर लाठियां खाएंगे, हमारी हत्या होगी, तो फिर बचेगा क्या? शिंदे साहब ने वही चमत्कार किया कि हम अपनी सरकार में किसी को अपमानित नहीं होने देंगे, ये गर्व का विषय है। क्या मांग रहेंगी आप यहाँ के प्रवक्ता शिवसेना की, क्या मांग रहेंगी और किस प्रकार का आगे का कार्यक्रम रहने वाला? जहाँ तक मांग और डिमांड का विषय है, मांग और डिमांड का विषय ऐसा कुछ नहीं है, एक हेतु लेकर एक कार्यकर्ता की आपकी क्या मांग रहेगी कि क्या चाहिए अयोध्या में कार्यकर्ताओं के लिए और क्या सुविधा चाहिए? नहीं, उत्तर प्रदेश में महाराष्ट्र की धारा पे यहाँ पर भी शिवसैनिकों को एक मान और सम्मान मिले जो अब तक इसके पहले नहीं मिला। आदरणीय एक नाथ शिंदे साहब के नेतृत्व में हर उत्तर प्रदेश के शिवसैनिक चाहते हैं कि मुझे एक सम्मान मिले, एक मान मिले, ये उनकी मांग है, ये उनकी सोच है। और यहाँ पर जहाँ तक महाराष्ट्र भवन की बात आई है, कल आदरणीय मुख्यमंत्री के निवास पर जिससे मुख्यमंत्री एक नाथ शिंदे साहब से बातचीत हुई, योगी आदित्यनाथ से बातचीत हुई, वो तय किया गया है कि भूखंड दिया जाएगा और बहुत जल्दी यहाँ पर महाराष्ट्र भवन बनेगा। हमें विश्वास है कि महाराष्ट्र भवन बनने के बाद उत्तर प्रदेश में शिवसैनिकों का एक अलग धारा बहेगी, इसमें कोई संदेह नहीं। तो उद्धव ठाकरे गट के जो नेता है संजय राउत, उन्होंने कहा था कि अभी ये अयोध्या जा रहे हैं, लेकिन यह अयोध्या इसके पहले शिवसेना ने, हमारे शिवसेना ने उनको रास्ता बताया था, इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया? क्यों, इसके पहले एक नाथ शिंदे साहब शिवसैनिक नहीं थे जो अपने जिंदगी को खपा दिए, अपने जवानी को खपा दिए, अपने किशोरावस्था को खपा दिए? उस शिवसैनिक को रास्ता बताने की अगर वो नसीहत दे रहे हैं तो उन्हें कौन रास्ता बताया था? उत्तर प्रदेश की राह को कौन बताया था, रास्ते को कौन बताया था? अब उस वक्त कहाँ राह रास्ते की बात थी, जिस वक्त संतोष दुबे जैसे लोगों ने इस बाबरी मस्जिद को विध्वंस किया, अब उस वक्त ऐसे शिवसैनिक को विध्वंस करने के तत्पश्चात महाराष्ट्र में बैठे हिंदू सम्राट माननीय बाला साहब ठाकरे जी ने गर्व से कहा, छाती ठोक के कहा कि हमारे शिवसैनिकों ने अगर विध्वंस किया है तो मुझे गर्व है इस बात पर। तो ऐसे शिवसैनिक तो उत्तर प्रदेश के ही घर में जन्म लिए। पवन कुमार पांडे कौन थे, संतोष दुबे कौन थे? ऐसे जैसे वीर शिवसैनिकों को भूला नहीं जा सकता। शिवसैनिकों को न कोई जात होती है, न कोई मजहब होती है, उनका अपने लक्ष्य को वेदन करना उनका उद्देश्य था। हिंदू हृदय सम्राट माननीय बाला साहब जैसे, ठाकरे साहब जैसे योद्धा जो इस राष्ट्र के दक्षिण के सागर के तट पे जन्म लिए और उनके नेतृत्व में काश्मीर से लेकर के कन्याकुमारी थी, हिंद महासागर से लहरे हिमालय तक, ये शिवसैनिकों का हुजूम था, ये उनकी सोच थी। और आज देवेंद्र फडणवीस साहब और आदरणीय एक नाथ शिंदे साहब महाराष्ट्र से एक उद्देश्य और एक संदेश लेकर के यहाँ पे आ रहे हैं। मैं आपके माध्यम से बताना चाहूँगा इस देश को, उनका मात्र
क्षत्रिय सोच है कि सभी को अपना मजहब प्यारा, सभी को प्यारा है भगवान, गीता कुरान शब्द बाइबिल सबसे प्यारा देश महान, जाति धर्म महफूज हो सबका, फलो फूलो रहो आबाद, मगर हिंद में शिवसेना का, जिंदाबाद हो जिंदाबाद, जिंदाबाद हो जिंदाबाद। न्यूज 21 साठी संतोष मोरे, अयोध्या।